कार्यक्रम में चूंकि मैदान बिल्कुल सज चुका है, चुनावी अखाड़ा बिल्कुल तैयार है, इस बार विद्यावती द्वितीय वार्ड में हम उपस्थित हैं और यहाँ पर चुनाव में उतरे हैं इमरान है बहुजन समाज पार्टी से पार्षद प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं। इनके विषय पर पहले भी आप हमारे माध्यम के हैं कि अनुराग सिंह की सोच क्या है सामाजिक परिवर्तन करने की, हम हैं कि आखिर किन मुद्दों के साथ इस बार चुनाव में उतरे हैं और क्या परिवर्तन करना चाहते हैं और किस आ गया था उनको, हालांकि इससे पहले क्लियर था लेकिन एक बार फिर से उपस्थित है अनुराग जी। अनुराग से बात, बीएसपी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि राजनीति में युवाओं की आवश्यकता है, वास्तविक परिवर्तन हो, प्रमाणिक परिवर्तन हो, इसकी आवश्यकता परिवर्तन हो, जहां पर गरीब की आम आदमी की बात को सुनकर प्राथमिकता दी जाए, ऐसी आवश्यकता है समाज में। आप किस विचारधारा के साथ में इस बार के चुनाव में उतरे जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज तक जितने भी पार्षद जितने भी विधायक रहे हैं इस सीट पे, आज तक उन्होंने कभी भी हमारे क्षेत्र में कभी काम नहीं किया। रहे जैसे सबसे बड़ी समस्या जो हमारे क्षेत्र की है वो कहीं ना कहीं सीवर की है। हमारे संपर्क में आते हैं वो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन लिए घूम रहे होते हैं, नगर निगम के चक्कर काट रहे होते हैं कि सीवर की समस्या का समाधान हो सके। और मेरा भी ये मानना है कि सीवर की समस्या, जब सीवर का गंदा पानी जब पड़ा होता है तो बच्चों को निकलने में, खेलने कूदने में बैड स्मेल आ रही होती है तो वहाँ बहुत तकलीफ होती है। उसके अलावा और भी बहुत समस्या मैंने देखी, सड़कों का नालियाँ चोक पड़ी हुई हैं, पूरा डंप है, और कोई भी अधिकारी हो या कोई भी पार्षद आज तक का रहा हो या यहाँ का कोई भी विधायक रहा हो, उसने कॉलोनी में भी खास तौर से विद्यावती द्वितीय वार्ड में कभी ध्यान नहीं दिया। यानी आपका कहने का मतलब यह है कि यहाँ अव्यवस्थाएं ज़्यादा हैं, पूर्व पार्षद या निवर्तमान पार्षद कुल नहीं हुए आपके हिसाब से? बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो किसी ने भी कोई काम नहीं किया। बहुत काम हम लोगों ने कराया है तो शायद मेरे संज्ञान में नहीं है, खासतौर से अगर मैं बात करूं तो इस पॉकेट में तो कभी शायद नज़र भी नहीं आए। अभी हाल ही में पीछे मतलब मैं बैठा हुआ था बहुत सारे लोगों के साथ, तो उन लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि अब की बार पार्षद जी अगर चुनाव में अगर वोट मांगने आ गए तो अब की हम अब की मोहल्ले में घुसने नहीं देंगे। चलिए चलिए, अच्छी बात है। बगावत उनका होना चाहिए, जो काम जिन्होंने नहीं किया निश्चित रूप से उनकी बगावत। एक प्रश्न और, आप ये आशाएं दे रहे हैं, आप ये बात भी कह रहे हैं कि यहाँ विकास नहीं हुआ, ठीक बात है मान लेते हैं, लेकिन जब आप पार्षद बनेंगे तो किन उम्मीदों को सोचा है आपने, यदि मैं बनूंगा तो ये पूरा करूंगा, वो क्या? सबसे पहले मैं अपने परिचय के बारे में बता दूं कि मैं एक पेशे से एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मेरी खुद की प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, और सेवा में आने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि क्षेत्र में जो लोग प्रतिनिधि बन के आते हैं, चुनाव जीत करके आते हैं, वो कहीं ना कहीं पक्षपात करते हैं जातिगत आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, कहीं ना कहीं पता है कि एक जो डिजर्विंग कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है कृपया उसको आप वोट करिए ताकि वो जीत करके आए और हर तरह से जो है क्षेत्र को मैनेज कर सके। ये जो आपकी अपील हुई, लेकिन आप करेंगे परिवर्तन क्या, आपने क्या, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द योर वार्ड, वो क्या चीज है जो आपके वार्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप चाहते हैं कि जरूर आ जाए वार्ड में सर्वांगीण विकास होगा? देखिए, जब मैं जीत करके आता हूँ तो सबसे पहला काम तो ये मैं करूँगा कि सबसे पहले मैं मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में है, सबसे पहले सीवर का काम कराऊंगा, एक तरफ से स्टार्ट करूंगा पूरे क्षेत्र में, पहले सबसे पहले सीवर का काम कराऊंगा, उसके बाद जो नाली हैं, नालियां जो चोक पड़ी हैं उनका काम करवाऊंगा, और एक मैं आश्वासन देता हूं इस बात का, खाऊंगा ना किसी भी अधिकारी ना किसी नेता को कमीशन खाने दूंगा। ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए ऐसा, होना भी चाहिए ऐसा हो। एक चीज और, आपने ये बात तो कह दी, चलो क्या आपको क्या कमीशन खाते थे क्या, जिस तरह आप कह रहे हैं पहले ना मैं आऊंगा तो ना मैं कमीशन खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये बात तो उच्च स्तर पे भारत के प्रधानमंत्री भी कह रहे थे। कातल अभी भी अछूता नहीं है भ्रष्टाचार से, भ्रष्टाचार आज भी उस तरह का कायम है और चलायमान है। आप कह रहे हैं कि आप जब पार्षद बनेंगे तो ना खाएंगे ना खाने देंगे, क्या पूर्व पार्षद ऐसे थे क्या? देखिए, मैं एग्जैक्टली तो नहीं कहूँगा, वैसे तो आप अगर मार्केट सर्वे करा लिए तो मार्केट सर्वे में सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, इनफैक्ट मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं प्रूफ करने के लिए भी, लेकिन शायद ये उचित समय नहीं है कि मैं प्रूफ करूँ इसको। हाँ, जहाँ तक क्योंकि आप स्टेटस सिंबल की बात करिए या प्रॉपर्टी गाड़ी घोड़ा की बात करिए, अपने रिश्तेदारों के नाम बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं, और मुझे नहीं लगता 5 साल के अंदर जो है कोई इतना पैसा कमा सकता है, एक बेरोजगार व्यक्ति इतना पैसा कमा सकता है कि वो अपने ही घर के बगल में 4-5-6 घर छोड़ करके एक नया मकान खरीद सकता हो। यानी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है वो आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से वो संदेह के घेरे में है, बिल्कुल है। अच्छा, एक चीज़ और, आप चूँकि बसपा से हैं,
क्या बहुजन समाज पार्टी, आपके सामने और भी पार्टियां हैं जो सत्ता में हैं, जो सत्ता में पीछे रही हैं, वो सारी पार्टियां भी आपके सामने, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस भी है, इन सभी लोगों में आपकी फाइट आपके हिसाब से किससे? मैं तो विरोधियों से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मत लड़ो चुनाव, मत लड़ो चुनाव, की चुनाव लड़ना मुश्किल होगा और ऐसा लिखेंगे इतिहास की पढ़ना मुश्किल होगा, क्योंकि हम विजेता हैं इस सीट पे। शायद तुम्हें पहचान नहीं, कान खोल के सुन लो विपक्षियों, चेहरे का खोल बदल देंगे और इतिहास की क्या हस्ती है, पूरा भूगोल बदल देंगे। ये आपका आपका युवापन है, जोश है, ठीक बात है, आप इस प्रकार से आदेशित भी कर रहे हैं कि चुनाव न लड़िए, तो आदेश क्यों कर रहे हैं? ये एक आदेश नहीं है, ये एक मैं सुझाव देना चाहूँगा जो बहुत सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि मेरे और बाकी कहीं एक एजुकेशन का है। दूसरा, मैं और मेरी टीम में कोई कॉन्ट्रैक्टर मेरे साथ में नहीं चलता। मोस्टली आप देख लीजिए, सर्वे कर लीजिए, आप फोटोज क्लिक होती हैं, फेसबुक पे अपलोड होती है, आप चेक कर लीजिए, वो खुद भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं बहुत सारे लोग, वरना उनके साथ जो लोग चल रहे हैं वो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। और कहीं ना कहीं उनके साथ चलने वाले लोगों का भी ये एडवांटेज है कि अगर हमारा नेता जीत करके आएगा तो मैं पार्क वाला काम मैं लूँगा। तो कहीं ना कहीं जुड़े हुए जो लोग उनके साथ हैं वो कहीं ना कहीं भविष्य में पैसा कमाने की जहद में जो है साथ दे रहे हैं उनका। कहीं ना कहीं आप कहना ये चाहते हैं कि उनके साथ वोटों के ठेकेदार और कामगार के ठेकेदार, यानी उनका पेशा भी ठेकेदारी है, ऐसे लोग चल रहे हैं। इनफैक्ट मैं लगता हूँ बिल्कुल राइट हूँ आपके उत्तर के अनुसार, बिल्कुल सही। चलिए चलिए, आखिरी प्रश्न मेरा आपसे, किन उम्मीद कि आप जब पार्षद बनेंगे तो निश्चित रूप से विकास की जो धुरी है, जो अब तक अवरोध पड़ी है, उसको गतिमान करेंगे, ये बात तो ठीक लगी। लेकिन एक चीज अभी और ना, कि कई लोग पद आने के बाद में फिर से वैसे हो जाते हैं जैसा पहला वो कहते हैं, वैसे नहीं रहते, फिर वही ढर्रा, फिर वही नीति, फिर वही रीत, आपकी सरकार नहीं है ना प्रदेश में ना कहीं और, यहाँ भी देखा जाए तो मेयर प्रत्याशी के रूप में जिस तरह से लड़ाई है उसमें अभी गतिमान नहीं है, उतनी चलायमान भी नहीं, ऐसा लगता नहीं कि सीट निकल जाएगी वहाँ से। आप जब पार्षद बनेंगे तो क्या संघर्ष नहीं होगा आपको फाइलें पास कराने में? क्या आपको नीति, आपकी आपकी नीति, उनकी नीति, दोनों में, दोनों की मध्यस्थता में समस्या नहीं आएगी आपको? देखिए, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अगर एक डिजर्विंग कैंडिडेट किसी सीट पर पहुँचता है उसे पता होता है किस तरह से आना होता है। मैं चैलेंज करके इस बात को कह सकता हूँ कि मेरा मोबाइल नंबर मोस्टली लोगों के पास है, आप फेसबुक प्रोफाइल मेरी चेक करवा लीजिए, और मैंने अगर पिछले 1.5 साल 2 साल 4 साल में अगर मैंने कोई अपने जो वोट मत करी है बिना पद के कराया। कैसा हो? ये तो बात सही है कि बिना पद के आपने जितने काम कराए वो उस चर्चा से मालूम पड़ता है, लेकिन यदि आप बनेंगे तो सत्ता नहीं रहेगी, सवाल मेरा ये है, सत्ता नहीं रहेगी आपके सामने, आपकी फाइल कैसे पास होगी? क्या इसका विश्वास दिलाते हैं? सत्ता न होने पर आप ये रोना नहीं दोगे कि सरकार नहीं है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, आपका काम होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको पहले ही बताया, दूसरी बात, मैं खुद ही ऐसी एक स्ट्रेटजी बना के चलूंगा कि एक ऑनलाइन सिस्टम या फिर एक ऑफिस खोलूंगा, कार्यालय खोलूंगा, ताकि जो लेखा जोखा होगा कि क्या फंडिंग हुई है क्षेत्र के नाम पे और किस फंडिंग को कैसे खर्चा किया गया है, वो सारा ब्यौरा कोई भी एक आम आदमी, एक आम नागरिक, एक क्षेत्रीय भाई हमारा आ करके उसको ओपनली देख सकता है, ताकि पैसे में कोई हेरा फेरी भी ना हो सके। ये भी विश्वास करें, पैसे में हेरा फेरी भी नहीं होगी, ये भी विश्वास करें कि विकास कार्य आप करवाने के लिए पूरे प्रयास करेंगे, चाहे किसी की भी सरकार हो। एट एनी कॉस्ट मैं विद्यावती द्वितीय की का जो है वो सर्वांगीण विकास कर दूंगा। चले हैं, जब शुरुआत की थी तो नारा ही हमारा ये था कि हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, विद्यावती द्वितीय का सर्वांगीण विकास ही संघर्ष हमारा। आज के लिए इतना ही, लेकिन पूरी बातों में और पूरी, अगर आप पूरा इंटरव्यू देखें तो ऊर्जा नजर आती है युवा के अंदर, यानी अनुराग के अंदर, निश्चित रूप से परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन प्रमाणिक, ठकोसला नहीं। पार्षद बनते हैं, वोट आप लोग तय करेंगे, अगर पार्षद बनते हैं तो क्या करके दिखाएंगे, जो कहा है वो करेंगे या नहीं, वो खैर भविष्य तय करेगा, लेकिन अभी की पूरे उत्तरों में ये मालूम पड़ा कि आवश्यकता है ऐसे व्यक्ति की जो युवा हो, पढ़ा लिखा हो, जो जमीन को जानता हो, जो दर्द को जानता हो, जो गरीब को जानता हो, जो असहायता को जानता हो, आवश्यकता ऐसे ही व्यक्ति की है जो प्रमाणिकता को पहचानता हो ठीक से। आज के लिए इतना ही, कैमरामैन अवधेश कुमार के साथ सचिन दीक्षित, एंटी करप्शन न्यूज़ एंड।